टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टेजवरती एवढी लोक उभी आहेत, एवढ्याच खुर्च्या खाली यहां पे जो अनुशासन होना चाहिए वो मुझे दिख भी नहीं रहा है। मुझे आज भी याद है दो चुनावों में मैं वो एक बेटा है उसके चुनाव में जाया करता विकास पाटिल, हर गली मोहल्ले में हमने घूमके मोटरसाइकिल पे प्रचार किया था। उस समय मनोज म्हात्रे से भी हमारे टकराव हुआ था, अरुण पाटिल से टकराव हुआ था। एक अच्छा संगठन हमने यहाँ पे बना लिया था, लेकिन एक फर्जी आदमी के हाथ में संगठन गया और संगठन के पूरे पड़ाव। अब फिर से संगठन खड़ा करना ये इतना आसान नहीं है। हमको लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आपके लिए काम करेंगे, हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को लेके हमको जन आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। सिर्फ बातें करके वोट नहीं मिलेगी, बातें करके वोट भी नहीं आएंगे। हमारी ताकत इतनी ही होती तो आज हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं होती। हॉल की संख्या से हमको पता चलता है कि हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है। सत्यता को अपनाना अच्छा होता है, आगे जाके अपने को तकलीफ नहीं। भगवान टावरे भला आदमी है, अच्छा आदमी है, सबको लेके चल रहा है, लेकिन ये जो गुटबाजी है वो जरा कम करेंगे तो मजा आएगा। कौन किसके पास जाता है, कौन किसका आदमी है, इसे तुमको क्या लेना देना है। वो जब तक पार्टी का काम कर रहा है तब तक वो अपना आदमी है, जिस दिन वो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और तुम्हारे दोस्ती के संबंध है, तुम्हारे अच्छे संबंध है, घर तक रखो, उसको पार्टी में मत लाओ। किसी और के ऑफिस में जाके पद वटप करना अच्छी बात नहीं है। हमारी पार्टी है, हमारे यहां पार्टी के ऑफिस में आपको चाहे जितने पद वाटप करने करो, आप किसी और के ऑफिस में जाके पद वाटप करोगे तो उसमें इज्जत आपकी नहीं जाती, पार्टी की जाती। मेरा इशारा किसके तरफ है शायद जिसको समझना है उसको समझ गया, लेकिन ये सब मैं सहन नहीं करता। ये ऐसा मैं मुमरा में तो बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, ऐसा खड़ा होना इतने स्टेज पे कुर्सियां खाली ये मुमरा में बिल्कुल नहीं चलेगा। आप शमीम खान को पूछ लीजिए, शमीम खान प्रोटोकॉल वाला आदमी है, शमीम खान अनुशासन का पालन करने वाला आदमी। लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है ये कोई अच्छी सूरत भिवंडी में नजर नहीं आ रही। आज भिवंडी की समस्याओं को देखते हुए रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, गटर नहीं है,
यहाँ पे काम करने के लिए कोई आगे आता ही नहीं, सिर्फ नगर सेवक का लेबल लगा के आगे बढ़ने का काम लोग करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन भिवंडी जैसा एक हल्का था, उसका नाम था मुमरा। आपके कितने कितने लोग मुमरा से संबंधित हैं? मुमरा आने जाने वाले कितने लोग हैं? आज से 10 साल 12 साल पहले का मुमरा और आज का मुमरा में अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? हमारे यहाँ एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां पे आपको कहीं खड्डे नजर आएंगे। हम सब लोगों ने मिलकर काम करके, हमारे नगर सेवकों ने, सब ने मिलकर काम करके लोगों में अच्छा शहर देने का सपना दिखाया था और उसको पूरा किया। वैसे भिवंडी तो बहुत बड़ा शहर है, 2 विधानसभा, लेकिन क्या बात है, आप कैसे वोटिंग करते हो? 10 दिन में एक आदमी बंबई से यहाँ आता है, आमदार बन के चला जाता है, वो आपकी क्या सेवा करेगा? इसका मतलब आप खुद खाई में गिरना चाहते हो तो आपको हाथ देने वाला कौन मिलेगा? सिर्फ घोषणाबाजी, पोस्टरबाजी, सिर्फ जात पात कौम मिल्लत, इस पे काम नहीं चलेगा। कौम के ठेकेदारी करने वाले लोगों को आप अगर वोट देंगे तो आप अपने आप को फंसा रहे हो। एक आदमी एक दिन एक पार्टी में, दूसरे दिन दूसरे पार्टी में, दूसरे दिन उसको टिकट मिलता है जिसकी औकात 5,000 की नहीं है, उसको 40,000 वोट मिलते हैं। अगर यही वोटिंग का तरीका था, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को उजागर करने में कामयाब हैं। ये मुमरा में नहीं होता है, तो ही मुझे दुख है कि इस बार मुमरा में 30,000 वोट हमारे गए, वरना मैं 1,00,000 के ऊपर से चूक गया था। लेकिन हमारी भी कई गलतियां, उस गलतियों का भुगतान हमें भुगतना पड़ा। शहर में माहौल तैयार करने में देर नहीं लगेगी, लेकिन माहौल तैयार करने से चुनाव नहीं जीतेगा। आपको लोगों के दिल में पहुंचना पड़ेगा। लोगों की जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज इस शहर की हालत देखते हुए मुझे नहीं लगता यहां पे एक आदमी खुश है, एक एक आदमी। इस नाखुशी का फायदा हम नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएंगे? कितने जुने पुराने लोग हैं, भगवान टावरे जी सबको साथ में लोग, कोई नया आया तो उसको भी साथ, वो कल आया, वो आज आया, वो इसके पास जाता है, वो उसके पास जाता है, तो तुमको क्या करने का कोई किसके पास जाता है? वो पार्टी के नेता के पास ही जाता है। वो अगर पार्टी के नेता के पास जाता है, पार्टी बनाता है, तो हमको क्या लेना देना? हमको क्या लेना? हमको एक एक दाने से घर बनाना है। 90 सीट है, यानी 90 वार्ड है। मुझे 90 वार्ड अध्यक्ष दिखाओ। मैं संगठन से आया हुआ आदमी, मुझे कोई फंसा नहीं सकता संगठन के मामले। आज मैं अंबरनाथ गया, अंबरनाथ में मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा संगठन बहुत अच्छा है, बुरा मत मानना, लेकिन संगठन में आपको यहां पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा।
हर वार्ड में एक अध्यक्ष देना पड़ेगा, हर वार्ड के एक बूथ कमेटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो दो महीने का प्रोग्राम नहीं हो सकता, चुनाव को बहुत दिन है, पर अभी से आप प्रयास करोगे तो हो सकता है चुनाव तक हम पहुंच पाए। मुझे याद है कि मैं चुनाव के दिन में तो हर शाम यही गुजारता था, मैं 6 बजे आता था और रात को 11-12 बजे यही पे खाना खा लेता था और उधर से घर चला जाता था। मैं गाड़ी कहीं पे रख देता था और मोटरसाइकिल पे पूरा शहर घूमता था, तब जाके 9-12 नगर से वो कुछ आए थे उस जमाने में। पर लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद गलत लोगों के हाथ में पार्टी गई और पूरे पार्टी का खत्मा हुआ। आज भी माहौल अच्छा है, लोगों की नाराजगी है पार्टियों की तरफ, एक उम्मीद के तरफ हम उन लोगों के सामने जा सकते हैं, हम उमरा भिवंडी में दिखा सकते हैं। हमको दिखाने के लिए काम है, जो काम हमने किया है वो लोगों के सामने रखने की का हुनर हमने होना चाहिए। लड़के डर के चुप चुप के काम नहीं होगा, आपको लड़ना होगा, और लड़ते समय सामने कौन है ये भी नहीं देखना चाहिए। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी, पूरे ताकत से लड़नी पड़ेगी। और ये कार्यकर्ताओं से भी कहना है कि ये शो बैग ही बंद करो, 10 मोटरसाइकिल लेके छिल्लम चाट करके 4 कैमरे लेके नेता खुश नहीं होता है, नेता हॉल का माहौल देख के खुश होता है। तुमने वो 3 हार कौन सा नाका हो नाका कल्याण फाटा, वहां पे स्वागत किया और आगे थोड़ा स्वागत किया, उतने ही लोग। अगर वो स्वागत करने वाले लोग बाहर के बाहर चले जाते तो मुझे लगता है हॉल खाली। क्या मतलब है इसका? हेलो, युवक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर जिम्मेदारी का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा? सिर्फ नाम के लिए पद लेना, मैं यहां से सुन रहा था, ये भाई साहब बोल रहे थे कि 21 सेल और उसके 10-10 लोग बुलाए थे, बराबर है ना? मुझे यहां 210 आदमी गिन के दिखाओ। आप किसको फंसा रहे हो? ये मतलब मुझे मत बताओ, सबको फोन किए, इसका मतलब संगठन पे हमारी जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ नहीं है। और वो पकड़ मिलाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए बैठो, साथ में बैठो। जिधर भी हमको आपको लगेगा कि जितेंद्र आवाड़ को बुलाना चाहिए कोई सुन नहीं रहा है, फोन पे बताओ, मैं आपके साथ हूं भगवान का। लेकिन ऐसा ढीला पर नहीं चलेगा। फिर उसके लिए तो प्रोविडेंस काम करत नहीं, तो हज काम करत नहीं, तो काम करत नहीं, त्याला काय कोण विचारत नहीं, काम करतात काम कर गए ना 100 लोग गए। ऐसा है कि साहेबांनी सांगितलं 10 लोकांची करा, पण जेव्हा आढावा बैठक आणि समिति बैठक असते तेव्हा उत्साह दिसला पाहिजे। उत्साह रस्त्यावर दिसला नाही पाहिजे, रस्त्यावर इथे हॉल मध्ये दिसला पाहिजे। मी तुम्हाला सांगतो, या मागच्या ज्या महिला बसल्या आहेत ना, या मागच्या महिला बसल्या आहेत त्यांना पार्टीशी काही घेणं नाही, त्यांच्या चेहऱ्यावर तो सांगतो
हे सगळं तुम्हाला वाईट वाटेल मी बोललो तर, पण याच्यातनच पार्टी उभी राहील. पार्टीत एक माणूस असला तरी चालेल, पण तो पार्टीचा निष्ठावान आणि पार्टीचा काम करणार. आज आपल्याला मीटिंगला जायचंय म्हणून 20 जण बरोबर घेऊन यायची, त्या 20 जणांना हे पण माहित नसेल बोलणारा जितेंद्र आव्हाड आहे. आणि हे लाड मी सहन करत नाही. मी मेहनत करतो, मी मेहनत करायला तयार असतो, माझ्या मेहनतीला फळ आलं पाहिजे याच्यासाठी मी मेहनत करतो. मी नुसती मेहनत करणार नाही. त्यामुळे आज के दिन के लिए इतना टॉनिक बहुत हो गया. एक महीने के बाद फिर से आऊंगा, तब तक हालात सुधारो. जो आने वाले हैं, जिनके नाम है लो, मिलाओ मुझे कौन आने वाले हैं. लेकिन एक महीने में ये हालात बदलने चाहिए, इतना भगवान कावड़े जी मैं आपको बोल रहा हूं. आप अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ रहे हैं, इसीलिए आपको अध्यक्ष बनाया गया है. अब उस पद को न्याय कैसा दोगे वो देखना है. मुझे लगता है उस न्याय देने के लिए आज से ही काम शुरू करोगे. बाकी सब गलतियां होती रहती है, गलतियां सुधारने में ही इंसान की क्या बोलते हैं मुझे लोग मानसर भलाई भलाई समझो जो भी है, गलतियां सुधारनी चाहिए. गलतियां सुधारेगी. एक महीने के बाद हम वापस आएंगे, आनंद परन से प्यार के टच में रहेंगे, और मुझे लगता है आज के बाद आप हालात सुधारने में के काम में लोगे. इतना ही कह के आपको सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं. आपको आज की मिले गुलाबिल नबी की शुभकामनाएं देता हूं, और यहीं पे आपको खुदा हाफिज के सलाम करता हूं. खुदा हाफिज.